हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही अपना बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ मैंने दिसंबर 2021 सीटेट भी क्वालिफाई किया है। पेपर वन में मेरे 118 मार्क्स थे और पेपर टू में मेरे 102 मार्क्स थे। करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और बहुत सारी लड़कियों ने मुझे सुबह लाइव स्टडी सेशन में ज्वाइन किया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर ऐसे सुबह सुबह 1 घंटे की पढ़ाई करते हैं। आज सुबह मैं क्लास 6 के साइंस बुक पढ़ रही थी और उसमें मैंने आज चैप्टर 12 और 13 कम्प्लीट किया है। जब मैं सुबह ऐसे उठकर आपके साथ लाइव जुड़ती हूँ और पढ़ती हूँ तो यकीन मानिए उस 1 घंटे का कॉन्सेंट्रेशन मेरा इतना ज़्यादा हाई होता है कि मैं 1 घंटे में 2 चैप्टर रीड आउट कर लेती हूँ। क्योंकि मैं शादी से पहले क्लास 6 to 10th के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती थी तो मेरा क्लास 6 to 10th का जो साइंस है वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट है। पर करेंटली मैं DSSB TGT की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और उसके क्वेश्चन में क्या आता है ना कि NCERT के हर एक लाइन से वो क्वेश्चन बना देते हैं, तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि क्लास 6 to 10th की जो बुक्स हैं साइंस की उनको बिल्कुल अच्छे से रीड आउट किया जाए। और मैं अपनी प्रिपरेशन में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक बार फिर से क्लास 6 to 10th की साइंस बुक अच्छे से पढ़ लूँगी। यहाँ पर मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ रही थी और आज का जो मेरा टॉपिक था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसे धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ ताकि मेरा हर एक कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं क्या करती हूँ कि 2-3 टीचर से एक टॉपिक को देख लेती हूँ और फिर उसमें से जो सबसे अच्छा एक्सप्लेन करते हैं उनकी मैं नोट्स बना लेती हूँ। मैं सुबह उठकर पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है कि जिस दिन मैं सुबह उठकर नहीं पढ़ती हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन जो है वो ख़राब हो जाता है। मैं उसमें अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती और मेरा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस नहीं बन पाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन सुबह 4 बजे उठ जाऊँ और कम से कम 2 से 3 घंटे सुबह सुबह पढ़ाई कर लूँ। आपने देखा भी होगा कि मैंने सुबह सुबह 2 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। ऐसे तो मुझे 2.5 से 3 घंटे पढ़ना चाहिए था लेकिन बीच में मैं थोड़ा मेडिटेशन करने चली गई थी। आप सभी मेरे 9-day चैलेंज के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए। इस नवरात्रि के 9 दिनों में मैंने खुद को 9 good habits दी हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन 9 good habits को फॉलो करूँ। तो उसमें से जो पहली गुड हैबिट ये थी कि मुझे मेडिटेशन करना है 9 दिनों तक, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्टडी का टाइम अपना कट कर दिया और उसको मैंने मेडिटेशन में यूज़ किया और मेडिटेशन करने से मुझे बहुत अच्छा और लाइट फील होता है। किचन का काम करने के बाद मुझे और भी बहुत सारा काम करना होता है लेकिन यहाँ पर मैंने अपने लिए 10 मिनट निकाले हैं और उन 10 मिनट्स में मैं एक एप्पल खा ले रही हूँ। क्योंकि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ तो मुझे अपना डाइट का स्पेशल ध्यान रखना है। अभी किसी भी वेट लॉस जर्नी में एक्सरसाइज जो है वो आपका 20% ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बाकी 80% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके डाइट का होता है। तो यहाँ पर मैं अपने डाइट को थोड़ा सा मेनटेन करके रख रही हूँ। आज का हमारा थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। आज का हमारा थंबनेल है कि जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, परफेक्शन का इंतज़ार मत करो। और ये बिल्कुल सही भी है। हम जिस कंडीशन में भी आज हैं हमको वहीं से काम करना शुरू करना होगा, तभी जाके इन फ्यूचर हमारी कंडीशन जो है वो चेंज हो पाएगी। देखिए लाइफ ऐसे ही होती है, कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट टाइम पर नहीं होती है। हम सभी को अपनी ज़िंदगी जो है वो इम्परफेक्ट लगती है, तो इसी इम्परफेक्ट को हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है। जब तक आप इसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। आप कभी भी किस्मत के भरोसे मत बैठिए। आप ये मत सोचिए कि आपके लाइफ से ये प्रॉब्लम चली जाएगी तब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगी या फिर ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी तब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगी। ऐसे में क्या होगा कि प्रॉब्लम्स आती ही जाएंगी और आपका टाइम निकलता जाएगा और आप पढ़ाई करना कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। किस्मत के भरोसे मत बैठिए कि किस्मत बदले तब मैं कुछ करूं। क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो कि तुम कुछ करो तब मैं बदलूं। आप बस ये समझिए कि ये जो टाइम है आपके लिए तपस्या का टाइम है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक खुद पे फोकस करिए, इतना पढ़िए इतना पढ़िए कि आने वाली पूरी ज़िंदगी जो है ना आपको थैंक यू बोले। और यकीन मानिए एक दिन आपका हर सपना सच होगा।
यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना वॉच पहन लिया है और इसके साथ मैंने इसमें फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर लिया है और इसके बाद मैं अब जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। तो चलिए अब मैं आपसे एक्सरसाइज के बाद मिलूँगी। और यहाँ देखिए मैंने 36 मिनट की एक्सरसाइज की है और मैंने टोटल 422 कैलोरीज बर्न किए हैं। यहाँ पर आपको 39 मिनट दिख रहा होगा क्योंकि जैसे जैसे 2-3 मिनट बीत जाते हैं ना कैलोरीज और ज़्यादा बर्न होती हैं। एक्सरसाइज करने के बाद हम लगभग 1-2 घंटे तक अपनी कैलोरीज बर्न करते रहते हैं। और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करके बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी, तो मैंने सबसे पहले पानी पिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और इसके बाद मैं सीधे फ्रेश होने चली जाऊँगी। फ्रेश होकर मैं आ गई हूँ और अब मैं कर रही हूँ अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट। और आज देखिए मैं दही खा रही हूँ और दही में मैंने चीनी यूज़ नहीं किया है, इसमें मैंने गुड़ लिया है। आपको तो पता ही होगा कि मैं 9 दिनों के लिए नो चीनी डाइट पर हूँ, तो इसलिए मैंने दही में चीनी नहीं लिया है, उसमें मैंने गुड़ लिया है। और अब वापस मैं पढ़ाई करने आ गई हूँ और मैं यहाँ पर अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ। और अब मैं सबसे पहले करेंट अफेयर्स पढ़ूँगी। मैंने अगस्त मंथ तक के करंट अफेयर्स जो है अपने कॉपी में लिख लिए हैं और मैं ये परचम क्लासेस से लिखती हूँ। जिनको नहीं पता है आप भी जाकर परचम क्लासेस से करंट अफेयर्स पढ़ सकती हैं, वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और आज मैं अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ और उसमें भी मैं आज रैंक एंड इंडिसेस के बारे में पढ़ रही हूँ। करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद अब मैं हिमांशी मैम की क्लासेस अटेंड कर रही हूँ और इसमें आज उन्होंने व्हाट इज़ साइकोलॉजी पढ़ाया है और साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं फैक्ट्स हैं वो सारे पढ़ाए हैं। तो मैंने उनकी क्लास बहुत अच्छे से ले ली है और उन्होंने जितना भी पढ़ाया है उनके सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। और मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ बिल्कुल अच्छे हैंडराइटिंग में बनाती हूँ क्योंकि मुझे गंदी हैंडराइटिंग से पढ़ने में कम्फर्टेबल फील नहीं होता है। आज मैंने उनकी 3 क्लासेस अटेंड की हैं और देखिए इन तीनों क्लासेस में उन्होंने जितना भी पढ़ाया है उसके मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं, इसलिए मैं आपको अपना आज थोड़ा नोट्स दिखाना चाहती हूँ। मैं नोट्स बनाने के लिए 2-3 पेन का यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे जो है नोट्स थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है और पढ़ने में मन लगता है। और जो मेरे नोट्स होते हैं ना वो बाइलिंगुअल होते हैं, मुझे जो टॉपिक हिंदी में समझ आता है मैं उसे हिंदी में लिख लेती हूँ और जिसमें मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल रहती हूँ मैं उसे इंग्लिश में लिख लेती हूँ। और आपको भी ना नोट्स बनाने टाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो आपको हिंदी में समझ आए हिंदी में लिख लीजिए, जो इंग्लिश में समझ आए उसे इंग्लिश में लिख लीजिए। और अब देखिए यहाँ पर मैंने 4.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है और इसके बाद अब मैं लंच प्रिपेयर करने चली जाऊँगी। लंच प्रिपेयर करने के बाद मैं वापस से पढ़ाई करने आ गई हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मुझे नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन 6 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो 4.5 घंटे की पढ़ाई तो मेरी हो गई है और रेस्ट मेरा 1.5 आवर बचा हुआ है। तो इस टाइम में मैं क्या कर रही हूँ, मैथ्स बना रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा जो मैथ्स का सिलेबस है वो कम्प्लीट हो गया है, अब मैं जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो आज मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और मैं क्या करती हूँ कि किसी भी यूट्यूबर की क्लास लगा लेती हूँ और बस उनके क्वेश्चंस देखती हूँ, सॉल्यूशन खुद से करती हूँ। आज मैंने टाइम एंड वर्क का 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है और 50 क्वेश्चन में 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और मेरे पास एक नोटबुक है। मैं क्या करती हूँ कि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते हैं उसे मैं उस नोटबुक में लिख लेती हूँ और मैं लास्ट में जब मेरा एग्ज़ाम पास रहेगा तब मैं उन क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रिविज़न कर लूँगी। अभी मैं MD क्लासेस से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और जैसे ही मेरे उस वीडियो के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो उसके बाद मैंने ये गगन सर का वीडियो लगाया है, इसमें इन्होंने SSC CHSL में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। यहाँ देखिए मैंने 6 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और इसी के साथ मैंने नवरात्रि के दूसरे दिन भी अपनी सारी 9 गुड हैबिट्स फॉलो की है। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।